वेलकम बच्चों. बच्चों आज ये बड़ा स्पेशल मैं बात आपसे करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर की जो सीबीएसई टॉपर थी ना 2018 की मेघना श्रीवास्तव, उनके जो मार्क्स आए थे वो थे 499 आउट ऑफ 500. तो उनकी तीन स्पेशल टिप्स जो वो कहती थी वो हमें उनसे सीखना चाहिए. और अगर आप पढ़ाई में, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर 95% लाना चाहते हैं तो इन तीन टिप्स को आप फॉलो कीजिए और 95% अचीव कीजिए. ये तीन टिप्स कौन सी हैं, पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरे कायदे से आपको विस्तार से मैं आपको बताऊंगा. जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें, तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे बराबर और हम आप जुड़े रहेंगे. चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग. अब मेघना श्रीवास्तव, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2019 आने को है, 18 की ज़बरदस्त टॉपर, 499 आउट ऑफ 500 आए थे उनके. अगर एक नंबर उनके और आए होते 500 में 500 तो उनका ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटता. क्या रिकॉर्ड की बात तो मैं किनारे करता हूँ, अभी बात मैं ये करता हूँ कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है उनके पढ़ने के तरीके या प्लानिंग से. तो मैं तीन स्पेशल बातें करूँगा. पहली बात जो उनका कहना था कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल को लेके, पढ़ाई के मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, लेके हैरान परेशान बिल्कुल नहीं हूँ. आप एक जो टेक्स्ट बुक आपके पास है जो आप पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको सूट कर रही है, मतलब आपकी समझ में आ रही है, तो उस पर स्टिक रहें. चार किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको. और अगर आपको वो सूटेबल नहीं लगती तो आप उसको चेंज कर दीजिए, वो किताब लीजिए जो आपको सूटेबल लगती है. लेकिन एक किताब की जगह छः किताबों से बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ये इस समय बहुत, कई बच्चे होते हैं ना, बहुत रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और अंततोगत्वा अल्टीमेटली वो पढ़ नहीं पाते इनको. तो बिल्कुल ऐसा ना करें. और मैं एक बात बताऊंगा कि किन्हीं बच्चों को अगर ये लगता है कि मटेरियल्स प्रॉपर नहीं है जो उनके लिए मिल पा रहे हैं, उनको जो 95% दिला सकें, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए. मेरा खुद के मैथ्स और फिजिक्स का मैं टीचर हूँ, मेरा मटेरियल बना हुआ है जो आपको बिल्कुल शानदार नंबर दिलवाएगा. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं. बाकी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको मजबूती से करते रहें. तो एक तो मटेरियल आप जो इकट्ठा करें ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए. लेकिन बहुत ज़्यादा मटेरियल तरह तरह का नहीं इकट्ठा करना. अपन लगा सैम्पल पेपर लेने चले तो 4-6 पब्लिशर के ले लिए, क्या फ़ायदा है उसका. एक पब्लिशर के लीजिए 10 सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर आप लगाइए, पिछले साल के पेपर लगाइए, भला होगा. तो पॉइंट इज दिस कि अपने फोकस को बनाए रखें आप और मटेरियल बहुत इकट्ठा ना करें. कभी कभी रिसोर्सेज इकट्ठा ही करते चले जाते हैं और उनको हम विद इन टाइम लिमिट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते. तो टिप नंबर वन है ये कि बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा ना करें. जो मटेरियल आपको सूट करता है, अगर अच्छा है आपके पास तो आपके हिसाब से अच्छे की बात कर रहा हूँ तो बड़ी अच्छी बात, नहीं है तो बदल डालिए, अभी समय है, और उस मटेरियल पे आप भरोसा करिए. दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि जैसा उनका कहना था कि प्रैक्टिस बनाए रखिए. देखिए कई बच्चे क्या होते हैं कि डेली बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते और छोड़ते चले जाते हैं, और अंत में जब एग्ज़ामिनेशन, ये बहुतों के साथ है, 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं, और जब रिजल्ट की डेट अनाउंस होती है जनवरी, तब ये जागते हैं जाके कि आप पढ़ो नहीं तब तो लुटिया डूबी अपनी. तो उस सिचुएशन को ना आने दें. आप टाइम टेबल बनाएं अपना और उस टाइम टेबल को फॉलो करें और प्रैक्टिस बनाए रखें सवालों की. जैसे मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, लगा लगा के प्रैक्टिस आपको चाहिए. केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस हैं जिनको आप दिमाग में चढ़नी चाहिए. तो आप भले बहुत ज़्यादा घंटे की पढ़ाई ना करें, जो आपको सूट करता है, 4 घंटे की पढ़ाई सूट करती है तो वही करें डेली बेसिस पे. लेकिन रोज़ पढ़ें. ये देखिए डेली बेसिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी आप मेंटेन करके रखें और प्रैक्टिस करते रहें. जो क्वेश्चन जैसे मैथ्स के कुछ सवाल हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, या आप बात करें तो अकाउंट्स के कुछ सवाल हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस निरंतर बनाए रखें. क्योंकि यही प्रैक्टिस अभी आप कुछ दिनों में सैम्पल पेपर लगा रहे होंगे, फिर एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको तैयार करेंगे, तो ये बातें आप तैयार करते जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देती हैं. जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट की ओर बढ़ते चलेंगे. तो पहली टिप थी हमारी क्या, क्वालिटी कंटेंट, जो मजबूत कंटेंट होना चाहिए, आपको नंबर दिला पाने की क्षमता हो जिसके अंदर. अंट शंट ना पढ़ें और बहुत ज़्यादा दाएं बाएं की बात ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा किताबें ना इकट्ठा करें, नंबर वन था. टिप नंबर टू क्या है कि जो भी मटेरियल आपने लिखा है पूरा उसका भरपूर यूज़ करें.
जो आपके पास है। आप विचलित ना होगी, कोई बच्चा आके बता दे ये चीज़ वो चीज़, उसमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। आपने जो सेट पैटर्न रखा आप डेली प्रैक्टिस करें, निरंतरता बनाए रखें। ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, अगर एक दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ पाते आप, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन डेली बेसिस पढ़ें, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, 95% आएंगे आपके। और तीसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल होगी, होती है, जो भी टॉपर रहे हैं आप उनसे बात करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा, ब्रीफ नोट्स ब्रह्मास्त्र है आपका, एक ऐसी मिसाइल जिसका कोई तोड़ कहीं नहीं बना। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ब्रीफ नोट्स से कन्नी मत काटिए। देखिए इसका फ़ायदा मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए आप जो पढ़ाई करते हैं ना साल भर, वो चैप्टर वाइज करते हैं, उसके अंदर टॉपिक वाइज करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और इन सब का पढ़ाई का निचोड़ आपको एग्जामिनेशन के 3 घंटे में देना होता है। जिस समय आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस समय तो चैप्टर बड़ा अच्छे से आ रहा होता है, लेकिन महीने भर बाद, 2 महीने बाद आप चौथे चैप्टर पर पहुँच जाते हैं और पहले चैप्टर की कई बातें भूल जाते हैं। तो या तो उतनी ही वर्जिश दोबारा करें पढ़ने में, वो संभव नहीं है क्योंकि एक फिक्स टाइम में आपको चीज़ें बनानी है। तो आप एक चैप्टर उठाइए, उसके बुलेट पॉइंट्स, मैं बहुत बड़ा उसको नहीं लिखना है, ब्रीफ नोट्स का मतलब है बुलेट पॉइंट्स लिखिए, और कहीं जो मामला आपको कन्फ्यूज करता है, जो पॉइंट आपको दिक्कत देता है, जहाँ आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपका दोस्त उस बात को कहे तो बड़ी छोटी चीज़ है, अरे उसको कहने दो भाई, मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं अपनी दिक्कत सॉल्व करूँगा, वो लिख लीजिए बाजू में उसके एक सेंटेंस कि भाई इसको ये समझना है। मैं खुद ही लिख लेता हूँ एज ए टीचर, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा मिक्स, इंग्लिश फिंग्लिश अंड बंड कुछ भी समझ में आता है तो मैं लिख लेता हूँ, जिससे मुझे कन्फ्यूजन ना हो। इंसान जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो सोचने के लिए बने हैं और कन्फ्यूजन होने के लिए बने हैं। बड़े बड़े महारथी को कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होने का मतलब है आपकी पढ़ाई चल रही है, कन्फ्यूजन ना होने का मतलब है आपको पढ़ाई चल नहीं रही, क्योंकि ये समझ लेना कन्फ्यूजन नहीं होने का मतलब कि सब आपको आ गया है, ये खतरनाक हो सकता है। तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये शुभ संकेत है, यानी आप पढ़ रहे हैं और जमे रहिए मैदान में। तो ब्रीफ नोट्स बनाइए, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, एग्जामिनेशन से पहले जब आप जाएंगे तो बहुत कम समय में, 8 घंटे में 7 घंटे में पूरी किताब का रिवीजन उस ब्रीफ नोट से आप कर सकते हैं। तो जो 3 घंटे में डिलीवरी करनी है आपको, 3 घंटे में जो शानदार रिजल्ट या पेपर लिखना है, वो लिखने में आपको बहुत तेज़ी से ये काम करा देगा और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो ये 3 मुख्य बातें जो मेघना श्रीवास्तव ने भी की थी, जो टॉपर हैं CBSE की, और आप भी करें, क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना किसी भी फील्ड में आप देखें तो तरीके बदल सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मेजरली सबकी सेम होती है, अगर आपको शानदार तरीके से सफल होना है तो। ये 3 बातें आप करके देखिए, मेरा वादा है आपसे आप ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। 3 बातें क्या थी, पहली क्वालिटी कंटेंट, अगर कमी लगती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरी बात, प्रैक्टिस करें लगातार, रोज़ पढ़ें और प्रैक्टिस करें बराबर। तीसरी बात, आपके पास अपने बनाए हुए ब्रीफ नोट्स होना चाहिए, किसी का टीपने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी कभी हम लोग काम चोरी करते हैं कि अरे मिल जाए रेडीमेड नोट्स, उससे वो फ़ायदा आपको नहीं अचीव हो पाएगा। आप खुद बनाइए, कम शब्दों का प्रयोग कीजिए, जल्दी बन जाते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए एक जगह, उसके बाद उसके सिंबल्स जो यूज हुए वो लिख लीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। ये 3 बातें आप कीजिए और ज़बरदस्त सफलता लीजिए। तो मैं आपको इसी के साथ वीडियो क्लोज करूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट कहूँगा कि ज़बरदस्त तरीके से आप कोर्स को पढ़ाई कीजिए और शानदार नंबर लेके आइए। कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, कि नोट्स कैसे बनाएं वो बाजू में आपके दिख रहा होगा, अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं CBSE के, वो भी मैं देता रहता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ये जो वीडियो है ये इसका एक ही दिशा है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बीइंग ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप बच्चे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ 500 बच्चों को, तो सामने में देखता हूँ कि बच्चों का आजकल हालचाल क्या है। तो हालचाल को समझ के मुझे लगता है कि ये बच्चे नहीं कर रहे, जैसे ब्रीफ नोट्स नहीं बना रहे, जिनको बनाना चाहिए, बहुत समय नहीं लगता, थोड़ा समय लगता है, और इसका रिजल्ट, इसका फ़ायदा मल्टीफोल्ड है। तो ये बातें अगर आप समअप कर लेंगे, इन बातों को टैकल कर लेंगे, तो आपकी पढ़ाई को सही दिशा मिलेगी और आपकी आउटपुट की जो मशीन है वो ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी। इनपुट तो क्या है, मेहनत करना आपका, पढ़ाई करना, लेकिन आउटपुट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका रिजल्ट फैंटास्टिक नहीं होगा। तो इन बातों का तरीके से सिस्टमैटिक अप्रोच लगा के आप आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाइए और शानदार नंबर लेके आइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड
गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आप खूब तरक्की करें, खूब नंबर लेके आए, बस आप जम के पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।